छुट्टी से लौट कर आने के बाद आक्रामक नजर आ रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब ट्विटर पर दमदार एंट्री ली है। छुट्टी से लौटने के बाद राहुल किसानों से मिले, फिर केदारनाथ की पैदल यात्रा की और जनरल बोगी में यात्रा कर पंजाब के किसानों से भी मिलने पहुंचे। वहीं संसद में भी रोज तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर भी शुरुआत की है। राहुल ने फिलहाल कोई भी ट्वीट नहीं किया है, मगर राहुल के फॉलोअर्स की संख्या 20,000 से ज्यादा हो गई है और ये लगातार आगे बढ़ रही है। जोधपुर जेल में बंद संत आसाराम गुरुवार को जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए आए, लेकिन संत आसाराम की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करने की वजह से सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई टलने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय संत आसाराम काफी प्रसन्नचित नजर आए और उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें जल्द ही जमानत मिलने की उम्मीद है। संत से मिलने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी कोर्ट पहुंचे थे। भक्तों का कहना था कि जिस तरह से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को सजा मिलने के चंद घंटों बाद ही 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई, तो ऐसे में बापू को बगैर आरोप सिद्ध हुए भी क्यों जमानत नहीं मिल रही है। भाजपा में 8 मई से शुरू होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय स्तर नेता भी भोपाल कूच कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। गुरुवार को इंदौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्थानीय महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से मुखातिब हुए राहटकर ने बताया कि पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं पार्टी से जुड़ी हैं और महिला मोर्चा की ओर से भी ज्यादा मजबूती मिली है। मध्य प्रदेश में आना इसलिए हुआ है कि 8, 9 और 10 मई को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भोपाल में रखी गई है और उसके लिए आना हुआ है। हर 6 महीने के बाद महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, जैसे ये हो रही है। इंदौर के सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के आवासीय परिसर में बुधवार रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां घुसे चोर 3 मकानों के ताले चटकाकर वहां से कीमती सामान चुरा ले गए। जिन मकानों में चोरी हुई है उनमें रहने वाले लोग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए हुए हैं। फिलहाल ये खुलासा नहीं हो सका है कि चोर कितना माल चुरा ले गए हैं। चोरी की ये घटना डॉक्टर रमेश, अजय माहेश्वरी और अजय श्रीवास्तव के यहाँ हुई। बताया जा रहा है कि रहवासी परिसर में 2 सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात हैं और रात को ही गार्ड ने चोरी की सूचना पुलिस को दे दी थी। मौके पर भी पहुंची पुलिस ने चोरों को तलाशा, लेकिन चोर फरार हो गए थे। चोरी की भनक पड़ोसियों को भी नहीं लगी। इंदौर में हुए एक सड़क हादसे में जवाहर टेकरी के सरपंच के भाई की मौत हो गई। मृतक नगर निगम में कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। जब वे निगम जाने के लिए घर से निकले थे तभी एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के कारण निगम कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और रहवासियों ने धार रोड पर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन भी किया। चंदन नगर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर की भवरकुआ पुलिस ने नशे के लिए ट्रक चालकों और अकेले में घूमने वाले लोगों से अवैध वसूली करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद फरार दोनों आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया। तीनों ही बदमाश एक्सीडेंट का झूठा आरोप लगाकर पैसा वसूल करते थे। पुलिस इनसे अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस ने युवती के साथ छेड़छाड़ कर उसे धमकाने वाले एक बदमाश के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भीमनगर में रहने वाला आरोपी पिछले 5 महीने से युवती के साथ छेड़छाड़ कर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। आरोपी बदमाश युवती के माता पिता की हत्या करने की धमकी देता था। आरोपी युवक ने युवती की जमकर पिटाई भी की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने परिजनों के साथ राजेंद्र नगर थाने पर की है।